ओके वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट डायमेंशन वो है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट मतलब साइंटिफिक इनोवेशन से रिलेटेड होते हैं। साइंटिफिक टेक्नोलॉजी में चेंज आता है तो ऐसे फोर्सेस जो कि हमारे बिजनेस को फोर्स चेंजेस के लिए फोर्स करते हैं साइंटिफिकली ड्यू टू इनोवेशन, न्यू टेक्निक्स, एरा का चेंज होना, टेस्ट का चेंज होना। तो मॉडर्नाइजेशन को देखते हुए अगर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स में कोई चेंजेस आ रहे हैं या साइंटिफिक इनोवेशंस हो रहे हैं वो हमारी बिजनेस एक्टिविटीज को अफेक्ट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। एंड बोला जा सकता है कि समटाइम्स ये हमारे बिजनेस के लिए अच्छे रहते हैं, समटाइम्स ये हमारे लिए बिजनेस के लिए गुड होते हैं, और कभी कभी ये बैड भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले अगर मैं बताऊँ तो पहले अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं होते थे, जैसे कि टैली, ईआरपी, नाइन, ये सब नहीं होता था। पहले लोग कॉपी बुक लेते थे और बुक में ही सारे अपने बोलते ना बुक कीपिंग मेंटेन करते थे। फिर जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई, कंप्यूटर्स आए, सॉफ्टवेयर्स आए, अब सारा काम टैली में होता है। तो पहले की जो बुक कीपिंग के लिए जो बुक यूज हो जाती थी उनका मार्केट तो गिर गया ना। तो ये टेक्नोलॉजी या साइंटिफिक चेंज के कारण अगर बिजनेस एक्टिविटीज या बिजनेस की वर्किंग अफेक्ट हो रही है, दैट आर कॉल्ड एज व्हाट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। फर्स्ट जो हम लोग मैं आपको एग्जांपल दूंगी वो ये होगा, मैंने आपको बताया क्या समटाइम्स ये अच्छे भी होते हैं और समटाइम्स बुरे भी हो सकते हैं कुछ बिजनेस के लिए। आप देखते हैं एग्जांपल कि कैसे टेक्नोलॉजी क्या क्या चेंजेस लेके आई है। फॉर मोस्ट एग्जांपल पहले हम लोग कैश पेमेंट करते थे, टेक्नोलॉजी चेंज करने के कारण हम ऑनलाइन पेमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो पहला तो ये देख लो कि ऑनलाइन पेमेंट मेथड से बिजनेस ट्रांजेक्शन बहुत ईजी हो चुके हैं आजकल। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपको खुद याद होगा ऑनलाइन शॉपिंग। अब इसमें आपको कुछ याद नहीं करना है, टेक्नोलॉजी चेंज आया मतलब बिजनेस से बात है, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग आप मेमोराइज कर लेना, ऐसे याद कर। ऑनलाइन शॉपिंग में आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, कैश ऑन डिलीवरी भी करा सकते हो, प्लस आप प्राइजेस को कंपेयर भी कर सकते हो, और बहुत सारे ऑप्शंस और बहुत सारी चीज़ें आप एक जगह में शॉप कर सकते हो। आपका जाने का भी खर्चा नहीं लगता, प्लस आपका कोई कॉस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होता। तो ये सब चीज़ें आप इसमें एक बार में ही लिख लोगे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन फिर भी देख लेते हैं हम लोग क्या है। पहला है न्यू वे ऑफ एडवर्टाइजिंग। अब पहले एडवर्टाइजिंग कैसे की जाती थी, पेपर्स में ऐड देते थे, लेकिन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के कारण अब वो ग्राफिक्स यूज करते हैं, पोस्ट करते हैं ऑनलाइन मीडिया में, कंप्यूटराइज्ड करते हैं, टीवी में वो लोग ऐड देते हैं, बोला जाए तो एनिमेटेड भी कभी कभी वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जिससे बहुत सारे लोगों के पास पहुंच जाता है। पहले पेपर्स में आता था तो पेपर्स से उन्हीं लोगों के पास जाएगा जो पेपर लेते हैं। अब हम लोग जैसे मीडिया के हिसाब से देखा जाए, मल्टीमीडिया यूज करके अगर हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो वो नंबर ऑफ पीपल तक रीच कर सकता है। उसके बाद ये टेक्नोलॉजी में चेंज आया, पहले हम लोग टाइपराइटर यूज करते थे, शिफ्ट फ्रॉम टाइपराइटर टू वर्ड प्रोसेसर ये। उसके बाद ऑनलाइन बुकिंग टिकट्स, पहले हम लोग लंबी लाइन खड़े करते थे बुकिंग के लिए, अब हम ऑनलाइन भी कहीं पे भी टिकट बुक कर सकते हैं due to which technological environment के कारण। Next आता है हमारा online sale for grocery। पहले हम लोगों को grocery के लिए जो भी चाहिए होता था जाना पड़ता था दुकान, लेकिन अब एक sudden click में grocery आपके door step पे available रहती है, तो ये भी technological change है ना। फिर customer can compare prices। अब बहुत सारे online ऐसे stores हैं, वही product hundreds of sites बेचती है, मतलब customer compare भी कर सकता है और अपने फायदे उठा सकता है। अब ये टेक्नोलॉजी मेरे ख्याल से आप लोग बहुत अच्छे से लिख लेंगे। तो ये हमने डील किया 5 डायमेंशन। पहला हमने इकोनॉमिकल देखा, फिर हमने सोशल देखा, फिर हमने पॉलिटिकल, देन फिर लीगल, और ये लास्ट था हमारा क्या, लास्ट क्या था, टेक्नोलॉजिकल। अब आपको क्या करना है, इसके पीछे के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बिजनेस पास करने का एक ही तरीका है, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ानी है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तब तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं फर्दर इस चैप्टर का। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।